हाय, मैं डॉक्टर शरयू। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में थिन बिल्ड पेशेंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाया। हालांकि हमारी सीरीज शुरू थी वेट लॉस के लिए, हम लोग रेसिपीज बना रहे थे। आज की रेसिपी जब हम बनाने वाले हैं या मैं दिखाने वाली हूँ, वो दोनों के लिए ठीक है। यानी वेट गेन करना तो भी ठीक है, वेट लॉस करना तो भी ठीक है। अगर आप ऐसे बोलेंगे कि ऐसी दोनों भी इकट्ठा रेसिपी कैसे हो सकती है, हो सकती है। हमें जब इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, डाइट का मतलब क्या है कि हम लोगों ने न्यूट्रिशनल फूड खाना चाहिए और फूड जो है वो लिमिट्स में खाना चाहिए, दैट इज डाइटिंग। अगर हम लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई हमें बहुत ही कम खाना है, थोड़ा थोड़ा ही खाना है, तो हमें वीकनेस भी आ सकता है। अगर मैं वर्किंग वूमन हूँ, मैं वर्किंग डॉक्टर हूँ, मैं सर्जन हूँ या फिर कोई टीचर है जिसे एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता होती है, अगर वो डाइट पे भी है तो हमें थोड़े कार्ब्स खाने ही पड़ते हैं, खाने पड़ते हैं। और ये जो कार्ब्स है, ये कार्ब्स आज मैं जो आपको बता रही हूँ वो फूड ग्रेन्स है। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि एक दलीय, द्विदलीय जो ग्रेन्स होते हैं, तो हम जो आज की रेसिपी बनाने वाले हैं वो एक दलीय जो है वो फूड ग्रेन्स है, मतलब मक्का। स्वीट कॉर्न हमने लिए हैं, हम व्हीट का फ्लोर ले रहे हैं, गेहूं का आटा, और इससे हम एक रेसिपी अच्छी डिलीशियस ब्रेकफास्ट के लिए बनाने वाले हैं। वेट लॉस के लिए ये कैसे इम्पोर्टेंट है? वेट लॉस के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो मक्का होता है वो खाने के बाद में आपको भूख नहीं लगती है, मतलब यानी आपको फुलनेस जो है वो आपका बना रहता है और इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। और आप अपना जो खाना है जैसे दाल चावल सब्जी रोटी, इसे आराम से स्किप कर सकते हैं। और अगर वेट गेन करना है तो आप ये भी खा सकते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी भी खा सकते हैं, दोनों भी आप जब खाते हैं तब आपको एनर्जी मिलती है। अभी बेनिफिट्स देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ कॉर्न क्या है? कॉर्न जो है ये हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन है। प्लांट का प्रोटीन अगर आपको चाहिए है हाईएस्ट सोर्स, तो कॉर्न है। और कॉर्न में क्या क्या होता है? कॉर्न में स्टार्च भी होता है और स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। कॉर्न में कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है। कॉर्न में और लैक्टिन, जियांटिन और बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। इन सब की वजह से क्या होता है, आपका जो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज है वो भी इसमें होती है, आपका सेल्युलर रिजेनरेशन है वो भी अच्छे से होता है। और ये जो फैक्टर्स मैंने अभी बताए वो सेल्युलर डैमेजेस से आपको बताता है, बचा लेता है, और हार्ट भी आपका एक्टिव रहता है। फाइबर्स होने की वजह से आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। बेनिफिट्स ऑफ व्हीट ये है कि व्हीट जो है वो हाईएस्ट सोर्स ऑफ स्टार्च है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसमें जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्राएं जो होती है पूरी होती है, और व्हीट का जो ऊपर का कवर होता है उसमें आयरन की मात्राएं बहुत ज़्यादा होती है। आपको तृणमूल शब्द का अर्थ तो पता होगा कि जब गौरी बिठाते हैं तो वो गेहूं के अंकुर जो होते हैं उन अंकुर का जो होता है वो रस निकाल के लोग सेवन करते हैं, तो उसमें आयरन की मात्राएं काफ़ी ज़्यादा होती है और कंप्लीट बी कॉम्प्लेक्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज उसमें बहुत ज़्यादा होती है। मिनरल्स होते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और क्या होता है, ग्लूटेन होता है। अब ये ग्लूटेन के लिए बहुत सारे डिस्प्यूट है, कोई कहता है वो ठीक नहीं है, कोई कहता है वो ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि वो ठीक ही है क्योंकि सालों से हम खाते आ रहे हैं, सालों से हम खाते आ रहे हैं। और इस ग्लूटेन की वजह से हमारी जो सेलुलर बाइंडिंग कैपेसिटीज जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है।
एनीथिंग एवरीथिंग जो भी आप लिमिट के बाहर करते हैं दैट बिकम्स पॉइजन, इसलिए जो भी खाना है लिमिट में खाना है। आज की रेसिपी जो मैं आपको फटाफट डिमॉन्स्ट्रेट करने वाली हूँ वो वर्किंग वुमन के लिए अच्छी है, और वर्किंग वुमन ने अगर इसे खाए तो उन्हें एनर्जी भी मिलेगी, टॉकिंग एनर्जी भी मिलेगी और वीकनेस उन्हें नहीं लगेगा और फुलनेस होगा, तो फिर आप दाल चावल सब्जी रोटी को स्किप कर सकते हैं। चलो देखते हैं रेसिपी, इसकी तरफ जाते हैं। ये स्वीट कॉर्न लिया है हमने, इसे हमने बॉईल किया है थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के, और अभी इसे हम मिर्ची क्रशर में क्रश करने वाले हैं। अब तो ये क्रश कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये क्रश करना और फिर थोड़ा सा उल्टा घुमा देना फिर से क्लॉकवाइज, फिर थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करके इसे हम लोग क्रश कर देते हैं। थोड़े थोड़े रह गए ऐसे बड़े बड़े तो कुछ होता नहीं, एक दो चार वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो मैंने बोला हमेशा ही मेरा कुछ ना कुछ गिनते रहता है, क्योंकि मैं रूटीनली खाना नहीं बनाती हूँ। तो ये हो गया वो प्रोसेस। इसमें हमने क्या लिया है, कटा हुआ धनिया लिया है, कड़ी पत्ता लिया है, ये अदरक लहसुन और जीरा का पेस्ट है, ये भी हमने कुछ बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, और ये हमने यहाँ मीरे लिए है, इस ये ब्लैक पेपर कहते हैं इसे इंग्लिश में, तो ये हमने इतना लिया है। इसके साथ में हमने ये किसा हुआ नारियल लिया है, किसा हुआ नारियल भी जो है ये डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लगता है, इसलिए आपका पेट का फुलनेस जो है वो मेंटेन रहता है, और कॉर्न भी जो है ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। ये हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, अब हम लोग ये जो है ये सब मिक्स करने वाले हैं। पॉज करूँगी। ये अभी हमारा कॉर्न है जिसे हमने मिर्ची क्रशर में क्रश किया, ये हमारा कढ़ी पत्ता है, कढ़ी पत्ता हम काट के ही डाले तो अच्छा है, क्योंकि बड़ा वाला रहा तो हम लोग उसके वो निकाल के फेंक ही देते हैं, तो ये अच्छा है कि हम लोग इसे कट करके डाले। अभी ये धनिया है, ये लहसुन अदरक जीरे का पेस्ट है, ये थोड़ा ब्लैक पेपर है, और यहाँ हमने किसा हुआ थोड़ा नारियल डाल दिया है। अब हम इसमें गेहूं का आटा थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसमें हम मिक्स करते टाइम थोड़ा हम नमक ले रहे हैं, नमक हल्दी और ये लाल मिर्ची पाउडर मैं ज़्यादा लेती हूँ, मैं हरी मिर्ची का इस्तेमाल कम करती हूँ क्योंकि वो मुझे काफ़ी तीखी लगती है, तो मैं उसे स्किप करती हूँ। अगर आपको मिर्ची डालना है तो आप डाल सकते हो। अभी इसे हम मिक्स कर लेते हैं, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं। ऑलिव ऑयल स्टॉप। ये जो हमने अभी ये मिश्रण तैयार किया है इसको हम 10 मिनट्स के लिए सेट कर देंगे। मैंने कहा ना जब भी आप कोई भी मिश्रण सेट कर रहे हैं उतने में आप नहा के अपना मेकअप करवा लो, और फिर बाद में ये तवा रख लो, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देना, इसे ब्रश कर देना, पूरा हमने अभी यहाँ ब्रश कर दिया है तो सराटा। अब जैसे ही हमने यहाँ बहुत ही कम मात्रा में गेहूं का आटा लिया है, पानी दे बड़े कब आटे में, अब हमने हाथ पे थोड़ा पानी लगा लिया है और इसकी हमने एक ऐसे वड़ा जैसे बना लिया है गोल 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 गोल। हम छोड़ रहे हैं, ज्यादा ऑयल हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। ये मिश्रण आप बना के रख सकते हो, और इसे गर्म ही खाना है तो आप जब भी आप स्कूल से वगैरह आते हो आप तुरंत ही ये ऐसे बना के खा सकते हो।
अब ये फ्लेम जो है ये मैंने लो फ्लेम रखा है। अगर आपको ऐसा ऊपर से ये दाना पुश करना है तो आप दाना भी पुश कर सकते हो। एक एक ऑलरेडी हमने इसमें नमक में पकाया है। या तो फिर आप इसको थोड़ा सा होल भी बना सकते हो। ताकि ये अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा पकने के बाद में हम लोग इसको सेंटर में छोड़ देते हैं जहाँ पे ज़्यादा ऑयल होता है। ऐसे छोड़ देते थोड़ा सा पकने के बाद में। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन फ्लेम जो है हमारी लो ही होना चाहिए। हमने बाकी के जो है ये तवे के साइड में रखना है हमें। अब इसे पलट दो। बाकी जो है तवे के साइड में रख दो, उसको वहां साइड में ही पकने दो। अब इसमें ऑयल की मात्रा कम है, इसमें गेहूं हमने बहुत ही कम यूज किया है और ज्यादा से ज्यादा हमने कॉर्न यूज किया है और नारियल का भी स्वाद इसमें आएगा, ब्लैक पेपर का स्वाद इसमें आएगा और आपको ये काफी टेस्टी लगेगा। इसमें एक एक डाल दो, थोड़ा इसमें होल बना लो। तो चाकू बहुत काम में आ जाता है, चाकू जो है काफी काम में आ जाता है। अब इसको साइड में छोड़ दो, ये अभी ये साइड में चली जाएगी। सेकेंड वाली को आप इसमें छोड़ दो ऑयल के साइड में। अब ये यहाँ पकते रहेगी, थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी। इसको अभी सेंटर में पकने देते हैं। वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन न्यू है। ये खाने के बाद आपको भूख नहीं लगती, इतना तो मैं आपको बता ही सकती हूँ। ये खाने के बाद में आपको भूख नहीं लगी। आप चार खा लो और टिफिन में तीन चार ले जाओ, दो आप अपनी फ्रेंड्स को दे देना और दो ही खाना, ज़्यादा मत खाना वेट लॉस के लिए। और अगर वेट गेन करना है तो इसमें आप घी भी डाल सकते हो और ज़्यादा ऑयल में आप इसको वड़े के जैसे तल सकते हो। और अगर वेट और भी गेन करना है तो आप इसके ऊपर घी डाल सकते हो। घी इसमें बहुत सारे आप लोग ये भी डाल सकते हो, अलग अलग टाइप का आटा, लेकिन फिर स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये काफी स्वादिष्ट है। ये रेस्ट ऑफ द थिंग आई लीव टू बाई। नंबर भी तो हमने डाल दिया है क्योंकि और भी हम बनाने वाले हैं। तो ये टिकिया जो है साइड में छोड़ दो, ये बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें बनाना है। और इसको हम अभी दूसरी बना रहे हैं। पानी की मात्रा भी आपको कम लेनी है, नहीं तो फिर वो कभी कभी फट जाता है। अब हमें ऐसा लगता है कि अभी ये हो चुका है तो हम इसे निकाल लेते हैं और इसे छोड़ दिया भी तेल में। तो आज हमारे पास खाने के लिए कौन है? ये अभी थोड़ा गर्म है लेकिन मेरे साथ खाने के लिए मृणाल है जो हमेशा रहती है। वो क्या कहते हैं, कैसे भी हो तो वाह उत्सव होना कहती है इन लोग। हाँ के देखो सही में सही बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छा बना है, हमेशा ही तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा बना है। मैं खा के देखो। इसको हम मालूम सॉस के साथ में खा सकते हैं, दही की चटनी के साथ में, लेकिन ये ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। इसको एडिशनल कुछ भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जरूर कर लेना। धन्यवाद।